उमरिया जिले से गुजरने वाली ट्रेनें कोरोना काल के बाद नहीं रुक रही हैं, जिसको लेकर बांधवगढ़ विधानसभा के भाजपा विधायक शिव नारायण सिंह ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि अगर ट्रेन नहीं रुकी तो आंदोलन किया जाएगा। दरअसल कोरोना काल के बाद अनलॉक प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन जो ट्रेनें उमरिया जिले से होकर गुजरती थी उन सभी का स्टॉपेज रेल विभाग ने समाप्त कर दिया है, जिसके चलते आम जनता, व्यापारी सभी परेशान हैं। चंदिया मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण सिंह जिले के कलेक्टर के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंप कर मांग की कि रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात करके ट्रेनों को रुकवाने के लिए प्रयास करें। वहीं विधायक ने बताया कि हम बिलासपुर जोन के डीआरएम से बात करेंगे, यदि ट्रेन नहीं रुकी तो नागरिक मंच बनाकर आंदोलन करेंगे। कि जब से कोरोना काल आया, कोरोना काल के समय केंद्र सरकार ने बहुत सारे ट्रेनों को रोके गए, लेकिन आज चंदिया में ट्रेनें कोई भी ट्रेन नहीं रुक रही है, नौरोजाबाद में भी कोई ट्रेन नहीं रुक रही है, जिसके कारण आम नागरिकों में असर पड़ा है, व्यापार में भी असर पड़ा है। उसी को दरमियान देखते हुए हम सब ने, मैं अपनी तरफ से भी, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, बांधवगढ़ से जनता जनता की सेवा करता हूँ, उन्होंने मुझे दायित्व दिया है, इसे तो मैंने अपने अभी पत्र में कलेक्टर साहब के नाम से मैंने इन बिंदुओं पे आपको जो बताया वो बिंदु आपने भी कैच किया है उसको, उन बिंदुओं पे हमने डीआरएम से बोला है कि बात करें और जल्द से जल्द ट्रेनें हमारे दोनों जगह चंदिया और नौरोजाबाद में रोके जाए। यदि नहीं रुकती है तो इसके बाद हम एक प्रतिनिधिमंडल डीआरएम से मिलेंगे, डीआरएम से मिलने के बाद जो दिशा निर्देश देंगे डीआरएम साहब उसके तहत फिर आगे हम बढ़ेंगे। यदि कोई सफलता नहीं दिखती हमको फिर नागरिक मंच बनाकर एक आंदोलन करो हम लोग। गौरतलब है कि जिले का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है, उसके बावजूद उमरिया जिला रेलवे की अपेक्षा का शिकार है, जिसके चलते भाजपा के विधायक को अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।